Very good morning, students. I am your English teacher, and today I will teach you English of class 7. Now today I will explain you exercise of chapter 3. So see here, this is the chapter 3, the silver lining. अब मैं आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी. ओपन एक्सरसाइज पेज नंबर 18 ए पार्ट. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द सिल्वर लाइनिंग. ये जो स्टोरी है बच्चों द सिल्वर लाइनिंग, इसका ऑथर कौन है? देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चमन निहल. तो सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर चमन निहल इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर टिक लगाएंगे. सेकेंड है द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी वॉज. इस स्टोरी में जो एक छोटी सी बच्ची है वो कैसी है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन डेफ एंड डम, यानी वो बहरी है और गूंगी है, यानी कि ना वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है. थर्ड मिस्टर डेविड वॉज ऑल्सो. मिस्टर डेविड वो भी कैसे थे? डेफ एंड डम, ना सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे. तो ए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. यहाँ पर हम टिक लगाएंगे. इसी तरह से फोर्थ है द ऑथर हैड द वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग एट अ डैश इन वन ऑफ द हिल रिसोर्ट्स. में थर्ड ऑप्शन सही है गेस्ट हाउस. उसको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था जब वो हिल रिसोर्ट में रुका हुआ था. तो गेस्ट हाउस, मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ था. बच्चों इसमें यही एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा. अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा. तो दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.